ना मैं दिल्ली गया था ना हमारी किसी से मुलाकात है। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं को जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और 28 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम भी लगा हुआ है आपके गाजीपुर जहूराबाद में माननीय अखिलेश यादव जी का, तो उसकी भी तैयारी में हम लोग लगे हैं। सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रही है, आप जिसमें बैठे हैं साथ में अमित शाह भी हैं, उस फोटो पुरानी फोटो है महाराज। हम लोग 16 से लेके आपके 19 तक साथ रहे हैं, कई दर्जन बार हमारी उनकी मुलाकात हुई है, गुफ्तगु हुआ है, तो वही फोटो डाल करके कोई भी कुछ बता सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि 22 के चुनाव में जो चीज़ कि मुश्किल हो जाएगा रहा सफ़र, इस चक्कर में ये करा जा रहा है कि आपकी पॉलिसी, आपकी जो रणनीति थी उसको हिस्सा नहीं बनाया गया चुनाव में, जिससे बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनाव जो किसान आंदोलन को लेके हम लोग बहुत आशान्वित थे, किसान आंदोलन जिस इलाके में था उस इलाके में असर था, जिस इलाके में नहीं था वहाँ किसान आंदोलन का असर नहीं था। हम लोगों ने जो जातिवार जनगणना का, पुरानी पेंशन बहाली का, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री का, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात हम लोग कर रहे थे, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं समझाने में फेल हैं, या जनता समझने में फेल है, या हम समझाने में फेल है। एक मुद्दा ये हो गया, लेकिन साथ में जो छोटी जातियों वाला मामला था, जो एक मामला ये था, और जो जो घटक दल थे उनको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, आपको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से बताया जा रहा कि ये वजह है जिसकी वजह से जो घटक दल हैं वो नाराज़ हैं, और जिसमें एक आप भी हैं और सब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा कोई बात है, नाराजगी किस बात की होगी? अरे हम तो जहाँ जिस इलाके में है उस इलाके में तो हमारा प्रदर्शन एक नंबर है। अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, गाजीपुर खाता नहीं खुला, मऊ में 4 में 1-3 हम जीते, बलिया में हम 4 जीते, बस्ती में 4 जीते, सिद्धार्थनगर में जो संत कबीर नगर में 3-2 जीते, और आपके सिद्धार्थनगर में हमने वहाँ 4 जीता है। तो हम जहाँ हैं वहाँ तो हम कमज़ोर कहाँ, हम तो एक नंबर है। फिलहाल कोई इरादा नहीं बीजेपी ज्वाइन करना? ना, अभी कोई इरादा नहीं है। हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं, मतलब बाद में हो सकता है। हम अखिलेश जी के साथ हैं, 24 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। अभी सामने स्थानीय निकाय चुनाव है, उस स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 28 का जो कार्यक्रम उसमें भी शामिल है, उसके बाद मतलब ये तो दी कि अभी है और बाद में भी, अभी जैसे आपने कहा अभी हैं हम लोग साथ में, बाद में कुछ चीज़ें अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई तो। अरे अभी हम जिंदा हैं, कौन मर जाए कौन ठीक है। ये तो राजनीति में या मानव जीवन में कौन, कोई तिथि तो है नहीं कि कब कौन मरेगा। तो अभी तक हम लोग हैं, तभी तक की बात हम कर रहे हैं ना, जब तक जिंदा हैं तब तक के लिए बात कर रहे हैं। जब जिंदा तब तक समाजवादी उसमें रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अभी 24 की तैयारी में लगे हम।